हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और इसका नाम है द ट्रेजर विद इन। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना और विद इन का मतलब होता है अपने अंदर। मतलब इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है, बस अगर जरूरत है तो उस खजाने को जानने की, उस चीज को समझने की। हम सब लोगों में जरूर कोई न कोई कला या कोई न कोई गुण छिपा हुआ होता है और वो दुनिया में हमें सबसे अलग और महान बना सकता है। हमें उसको जानना चाहिए। इस चैप्टर में बताया गया है हापिज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में और वो कहते हैं कि हर एक बच्चा जो होता है उसमें विलक्षण प्रतिभा होती है। वो हो सकता है कि दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग हो। और ये जो चैप्टर है ये वास्तव में बातचीत है मिस्टर हापिज कॉन्ट्रैक्टर और एक बहुत बड़ा न्यूज़लेटर है रिसोर्स सेंटर से और स्पर्स मैगजीन के संपादक हैं श्रीमती बेला राजा। उन दोनों के बीच में ये बातचीत हुई है, हापिज कॉन्ट्रैक्टर और बेला राजा के बीच में ये बातचीत हुई है और उनके बीच में उनके जीवन के बारे में बहुत सारे हिस्सों पर प्रकाश डाला गया है। तो चलो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं कि उनके जीवन में महान बनने का सफर उन्होंने किस प्रकार से छुआ। हापिज कॉन्ट्रैक्टर जो थे स्कूल में बहुत नाखुश रहा करते थे और उन्हें खेलना कूदना और मशीनों से बहुत अधिक प्रेम था, लेकिन पढ़ाई से उन्हें बहुत अधिक प्रेम नहीं था। अब जानते हैं इसके बारे में। हापिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं बेला राजा से, मुझे बहुत भयानक सपने आया करते थे और ये भयानक सपने मुझे 4 से 5 साल तक लगातार आते रहे और उसके बाद में अचानक ये मेरे सपने बंद हो गए। तो बेला राजा जो पत्रकार है उन्होंने पूछा कि कौन से भयानक सपने आपको आया करते थे जो अब बंद हो चुके हैं। हापिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, मुझे बहुत ही डरावना सपना ये आया करता था कि मैं मैथ्स के एग्जाम में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये डर मेरे दिमाग से निकल गया है और अब पढ़ाई को लेके मेरे मन में कोई डर नहीं रहा और इस प्रकार के मुझे कोई भी डरावने सपने नहीं आते हैं। बेला राजा ने हापिज कॉन्ट्रैक्टर से अपनी स्कूल की बचपन की यादों के बारे में पूछा। हापिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक मुझे याद है, मैं एक अच्छा विद्यार्थी था, परंतु जैसे ही मैं 3rd क्लास में पहुंचा तो धीरे धीरे पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट है वो चला गया और उसके बाद में मैंने जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की। मुझे खेल कूद में, दौड़ने में, हंसी मजाक करने में, दोस्तों के साथ में टिप्पणी करने में, इन सब में बहुत आनंद आता था। एग्जाम टाइम के समय में नकल कर लेता था और इसी प्रकार से मैं पास हो जाया करता था और कई बार तो मैं एग्जाम का पेपर भी एग्जाम से पहले पता कर लेता था ताकि मुझे परेशान ना होना पड़े और इस प्रकार से मैं आगे की क्लासों में जाता गया। लेकिन मेरे प्रिंसिपल के द्वारा कही गई बात ने मेरा जीवन पूरी तरह से बदल दिया। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में था, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, लेकिन तुम कभी पढ़ाई नहीं करते। आज तक मैंने तुम्हारा ध्यान रख लिया है, लेकिन आगे मैं आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगा। प्रिंसिपल ने मुझसे लगभग 5 मिनट बात की। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे पिताजी नहीं हैं, तुम्हारी माताजी तुम्हारे लिए बहुत अधिक मेहनत करती है और फिर तुम्हारी फीस जमा करती है, लेकिन तुमने इतने सालों में खेलने के अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन अब तुम्हें उठ खड़ा होना होगा और पढ़ाई करनी होगी। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे और उन्होंने चैंपियनशिप में भी कई बार भाग लिया, क्रिकेट कैप्टन भी वो रहे, वो लगभग हर एक खेल खेला करते थे, लेकिन उस साल उन्होंने खेल के मैदान में कदम भी नहीं रखा। वह प्रार्थना के लिए जाते और अपने खाने के लिए जाते, उसके अलावा हमेशा अपनी पढ़ाई में लगे रहते। साधारणतः हापिज कॉन्ट्रैक्टर नकल करके पास हो जाया करते थे, लेकिन अब जो है बोर्ड की एग्जाम आ चुकी थी
और उन्हें पता लग चुका था कि अब वो नकल नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी वरना मैं पास नहीं हो पाऊंगा। और जब उनके 50% SSC में आए तो प्रिंसिपल ने कहा, बेटा ये जो तुम्हारे नंबर आए हैं ये बहुत अच्छे नंबर हैं, ये मान के चलो कि तुमने बहुत ही अच्छे नंबरों से इस एग्जाम को पास कर लिया है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए, लेकिन मेरे साथ एक समस्या थी कि मुझे चीजें याद नहीं रहती। मैं चित्रों के द्वारा चीजों को याद रख सकता हूँ, लेकिन जो बातें हैं और जो तथ्य हैं वो मुझे याद नहीं रहते। मेरा दिमाग इसी प्रकार से काम करता है कि मैं चित्र की सहायता से किसी भी चीज को बहुत आसानी से याद रख लेता हूँ। अब बेला राजा ने पूछा, जब तुम स्कूल में थे और तुम्हारी पढ़ाई बहुत खराब चल रही थी और टीचर तुम्हारे पीछे पड़े रहते थे, तो तुम्हें कैसा लगता था? तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, मैंने कभी भी इस बात को ढंग से महसूस नहीं किया। मेरा पूरा ध्यान खेल में लगा रहता था और हर सप्ताह मेरी पिटाई हुआ करती थी। बेला राजा ने पूछा, जब तुम्हें पता लगता था कि तुमने काम नहीं किया, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम्हारी पिटाई होगी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता था? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता था, बस मैं अपना हाथ बाहर निकालता और पिटाई खा लेता और मैं खेलने के लिए चला जाता, और इसी प्रकार से ये सब कुछ चलता रहा। बेला राजा ने उनसे पूछा, कभी भी आपको असुरक्षा महसूस नहीं हुई या आपको कभी भी कोई खतरा महसूस नहीं हुआ? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, मैं हमेशा खेलने में लगा रहता था और किसी चीज की तरफ मेरा ध्यान नहीं था। हम हंसी मजाक में लगे रहते थे, हम पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए हम लोग यूं ही मौज मस्तियां करते थे। एक दिन तो हमने पूरे 1 घंटे तक चोर पुलिस खेलते रहे। हर शनिवार को हम लोग मूवी देखने जाया करते थे। मुझे याद है मैं 40-50 दोस्तों से पैसे इकट्ठा किया करता था और लंच और मूवी के पैसे उन सब से लेके फिर हम सब लोग मूवी देखते थे, और आते वक्त मैं बहुत अच्छा खाना खाया करता था। मैं मेरी गैंग का लीडर हुआ करता था और मेरी जो गैंग है वो लड़ाइयाँ और तरह की योजनाएं भी बनाया करती थी, और ये सारी चीजें मुझे पढ़ाई के अलावा बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। बहुत सारे विद्यार्थी अगले साल के लिए मेरी किताबें पहले ही बुक कर लेते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हाफिज की किताबें एकदम नई मिलेगी, क्योंकि मैंने उन्हें एग्जाम से पहले कभी भी खोला नहीं था। बेला राजा ने पूछा कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए? हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने कहा, जिस किसी के भी 80 से 85% तक आते हैं उससे पहले आर्किटेक्चर कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता, और मेरे तो केवल 50% थे। मैं आर्मी में जाना चाहता था और मुझे एडमिशन लेटर भी मिल गया, पर मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया। तब मैंने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सोचा, पर मेरी मदर ने मुझे मना कर दिया कि तुम अपनी ग्रेजुएशन करो और तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार से मैं बम्बई में जय हिंद कॉलेज चला गया और मैंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैंने वहाँ पे फ्रेंच या जर्मन सीखने का सोचा, और उसके बाद में मैं 7 साल तक फ्रेंच की पढ़ाई करता रहा। हालांकि मुझे फ्रेंच के 7 शब्द भी नहीं आते थे, इसलिए मैंने जर्मन भाषा लेने का निर्णय लिया, और मेरे जर्मन टीचर जो है वो कुछ समय बाद में मर गए, इसलिए कॉलेज ने मुझसे कहा कि तुम दोबारा फ्रेंच ले लो। अब मुझे दूसरी कॉलेज में कौन एडमिशन देगा, इसलिए मैंने वापस फ्रेंच ले ली, और मैंने फ्रेंच सीखने के लिए अपनी कजन का सहारा लिया। वो एक आर्किटेक्ट की पत्नी थी और वो मुझे फ्रेंच सिखाया करती थी, इसलिए मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में फ्रेंच सीखने के लिए जाया करता था। बेला राजा ने मुझसे कहा कि क्या वहां जाने के बाद में आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्चर के फील्ड में चले जाएंगे? हाफिज ने कहा कि ये सब वास्तव में एक संयोग से हो गया। आर्किटेक्चर ऑफिस में मैं एक दिन गया था, मैंने एक विंडो की ड्राइंग देखी और उस ड्राइंग के डिटेल्स में मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने ये बताया कि ये ड्राइंग गलत है, ये खिड़की कभी भी खुल नहीं पाएगी। तब वहां काम करने वाले आदमी ने मेरे साथ शर्त लगाई और कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता,
लेकिन वही हुआ जो मैंने कहा था। इस बात से मेरी कजिन के जो हस्बैंड है वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझसे कुछ चीजें पूछी और मैंने तुरंत उन्हें बता दिया। अब उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सारी चीजें छोड़ दो और तुरंत आर्किटेक्चर कॉलेज को तुम लोग ज्वाइन कर लो। हम लोग कॉलेज की प्रिंसिपल के पास चले गए और कॉलेज की प्रिंसिपल ने हमें वार्निंग देते हुए ये कहा कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगी, लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया तो मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दे पाऊंगी। और उस एंट्रेंस एग्जाम में मेरे A+ मार्क्स आए और उसके बाद में जो काम था वो मेरे लिए बहुत ही आसान था, क्योंकि ये सारा काम मेरे इंटरेस्ट का था। मैंने कभी भी कोई योजना नहीं बनाई, पर मैं शुरुआत से लेके धीरे धीरे ऊपर जाता गया और सारा काम अपने आप होता गया। मुझे नहीं पता था कि एक सेक्शन क्या है, लेकिन मैं ये जानता था कि अगर इसे काटेंगे तो ये कैसा लगेगा। उसके बाद में मैं हर क्लास में फर्स्ट आया और धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़ता गया। मैं ये सोचता हूँ कि मेरी ये समझ बूझ जो है मेरी बचपन में स्कूल में खेलने कूदने और बाकी सब काम करने से आई थी। मेरा एक दोस्त था बहराम दिवेचा, हम दोनों हमेशा कंपटीशन करते थे। हम किले बनाया करते थे, बंदूक बनाया करते थे और भी कई प्रकार के हथियार बनाया करते थे और हम बहुत अधिक उसमें प्रयास किया करते थे और यही सब चीजें मैंने वहां पे सीखी थी। आपिस कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, आज भी मुझे याद है, मैं लगभग सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड में रहा होगा और मेरी जो टीचर है श्रीमती गुप्ता, उन्होंने मेरे स्केचेस देखे और कहा था कि तुम वैसे तो बेकार हो दूसरी चीजों में, लेकिन तुम्हारे स्केचेज बहुत सुंदर हैं, तुम बड़े होके एक आर्किटेक्ट बन सकते हो। लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि मेरी टीचर बहुत सही कह रही है और आर्किटेक्ट बनने के बाद में मैं अपनी टीचर के पास में गया और उन्हें बताया कि वास्तव में एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बन गया हूँ। बेला राजा ने हाफिज से पूछा कि तुम्हें पढ़ाई क्यों नहीं पसंद थी, क्या तुम पढ़ाई के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे? हाफिज ने कहा कि मुझे भाषाएं बिल्कुल नहीं पसंद थी और साइंस और ज्योग्राफी तो मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं तो केवल पढ़ाई को पास करने के लिए ही पढ़ाई कर रहा था। जो कुछ भी मुझे पढ़ाया जाता वो मैं 2 दिन में भूल जाता और याद भी क्यों रखता, क्योंकि उन सब चीजों में दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी। बेला राजा ने कहा कि क्या आपको लगता है स्कूल बोरिंग थी और स्कूल में पढ़ाई गई बातें आप बिल्कुल भी समझ नहीं पाए और स्कूल में जो कुछ भी पढ़ाया गया वो आपके ऊपर से चला गया? हाफिज कॉन्ट्रेक्टर ने कहा कि स्कूल ठीक थी, पर बोर्डिंग स्कूल में रहना बड़ा ही डिफिकल्ट है। हम एक एक दिन काट रहे थे। आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं, हमारे उस समय टेस्ट होने पे हम लोग नकल कर लेते थे और इसी प्रकार से आगे बढ़ जाया करते थे। बेला राजा ने हाफिज से पूछा, क्या आप ये मानते हैं कि आप में सीखने की अयोग्यता थी, परंतु साथ ही साथ में आपको भगवान का दिया हुआ एक गुण भी था जिसमें आप बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकते थे? हाफिज ने कहा कि हाँ, आप ऐसा मान सकते हो। मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वो क्लास में फर्स्ट या सेकंड रैंक पे आया करते थे, आज वो साधारण सी नौकरी कर रहे हैं। और ऐसा मेरे सामने बहुत बार हुआ है और मेरे दोस्तों के साथ में भी हुआ है कि हमारी क्लास के जो टॉपर्स हैं वो बहुत साधारण हैं और जो टॉपर्स नहीं थे आज वो पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान किताबों के अलावा भी बहुत कुछ सीख लिया और वही मेरे जीवन में काम आया। बेला राजा ने कहा कि आप में अच्छी योग्यता थी इसलिए आप आगे बढ़ पाए, इसीलिए आपने पढ़ाई के सारे नियमों को तोड़ दिया और जीवन में सफलता को हासिल किया। हाफिज कहते हैं कि हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो दूसरी चीजों में था, पढ़ाई में मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं बाकी कामों को अच्छी तरह से कर पाता था। मुझे आज भी याद है, हमारी क्लास में किसी बच्चे का खेलते वक्त अगर बटन टूट जाता था तो मैं चौक को काट के एक नकली बटन बना दिया करता था और इस प्रकार से मैं अपने दोस्तों की सहायता कर दिया करता था। बेला राजा ने पूछा कि आज के समय की अगर बात करें, आज आपके पास कोई भी व्यक्ति काम के लिए आता है तो आप किस प्रकार का मकान उसके लिए बनाना चाहेंगे?
हाफिज ने कहा, मैं अपने क्लाइंट को देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, उसके बोलने चलने का तरीका देखता हूँ, उसके खाने पीने का तरीका और उसके पसंद नापसंद को समझता हूँ। उसके बाद में उसे जो सही लगता है उसी हिसाब से मैं उसका मकान डिजाइन करता हूँ, ताकि फिर वो व्यक्ति संतुष्ट हो पाए। बेला राजा ने कहा, ये आप सहजता से कर लेते हो। हाफिज ने कहा, इसको आप सहजता मान सकते हैं या बुद्धि मान सकते हैं या किसी प्रकार की गणित मान सकते हैं, लेकिन ये भी एक तरह की गणित ही है जो मुझे सीखते सिखाते करते करते आ गई। और इस गणित में डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बहुत सारी चीजें शामिल है। वास्तव में हाफिज कॉन्ट्रेक्टर ने अपनी गणित बिल्कुल अलग बना ली थी और उसी के दम पे वो जीवन में बहुत ही सफल व्यक्ति बन गए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर।